कुछ पूछना करना हो स्थान पे आगे चलते कार्य चलेगा। तीन मूर्तियों तो तीन मूर्तियों का तीन स्थानों में वर्चस्व भी होना चाहिए है। कौन कौन सी तीन मूर्ति है और कौन कौन से वचन की अधिष्ठाता है? साकार आसान निराकार साकारी माने दुखदाम निराकारी माना शांति धाम और सुखधाम तीनों धाम संसार में प्रत्यक्ष होने। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं मान्यता है कि सर्व ऊपर है नरक नीचे है। वास्तव में इस समय की यादगार है। सुखधाम का अधिष्ठाता यमुना के कंठे पर अपना अड्डा जमाएगा। दिल्ली कब्रिस्तान भी बनती है और दिल्ली पहले पहले परिस्थान भी बनती है। और दुखधाम का अधिष्ठाता कहाँ अड्डा जमावेगा? आबू आबू में दुखधाम आबू तपस्या भूमि है या दुख भोगने की भूमि है? तो तपस्या भूमि में शांति मिलनी चाहिए या दुखधाम बनेगा? तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो जहाँ परमधाम जैसी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज बननी होगी वहाँ बाप मौजूद होगा या दुखधाम का अधिष्ठाता मौजूद होगा? बाप मौजूद होगा। आत्माओं का बाप भी होगा और मनुष्य सृष्टि का बाप भी होगा। मनुष्य सृष्टि का बाप जो आदिदेव कहा जाता है उसका नाम सिर्फ एकमात्र नाम है 33 करोड़ देवताओं के बीच में जो शिव के साथ जोड़ा जाता है। कौन सा नाम है? शिव शंकर भोलेनाथ। विष्णु का नाम भी नहीं जोड़ा जाता, ब्रह्मा का नाम भी नहीं जोड़ा जाता, जगदम्बा का भी नाम नहीं जोड़ा जाता, कोई देवता का नाम नहीं जोड़ा जाता। एक शंकर का ही नाम शिव के साथ क्यों जोड़ा जाता है? इन दोनों को मिलाकर के एक क्यों कर दिया? 100% बाप समान। ये तो समझाते हैं कि शिव अलग है शंकर अलग है। जब अलग अलग है तो दोनों को मिला के एक करने का क्या कारण हुआ? बाप समान बने। कि जब तक संपन्न स्टेज नहीं बनती है अव्वल नंबर पुरुषार्थी की अल्लाह अव्वल दीन स्थापन करने वाले की तब तक शिव शंकर मिलकर के एक नहीं कहा जा सकता। अभी भी क्या कहेंगे? शिव शंकर एक है या अलग अलग दिखाई देते हैं? एक है। फिर ये ढेर सारे विष्णु भगवान और उनको फॉलो करने वाले कहाँ से निकल पड़ते हैं? वो तो अपनी अपनी मर्जी से निकले है? अपनी अपनी मर्जी। इसका मतलब है ना दुनिया में? लेकिन जब वो शिव शंकर एक हो जाएगा,
शिव समान शंकर की स्टेज बन जाएगी, क्योंकि स्टेज बनाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। शंकर को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसलिए शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। शिव याद करता है या शंकर याद करता है? शंकर को याद करते हुए दिखाया जाता है चित्रों में। चित्र किस बात की यादगार है? चरित्र की यादगार है। तो जो चरित्र है याद करने का, वो याद करने का चरित्र ये दर्शाता है कि वो संपन्न नहीं है। जब संपन्न हो जाएगा तो याद करने की दरकार नहीं रहेगी। बाबा अभी अभी जैसे वाणी में बोला, जब कर्मातीत अवस्था पूरी हो जाएगी तो हर्षित मुख बने रहेंगे, कभी भी चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। अच्छा, जो पहला नंबर मनता है उसकी ही कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है? माला में 108 मणके होते हैं ना, श्रेष्ठ आत्माओं की यादगार। तो पहले मणकी की ही अवस्था नहीं बनी है कर्मातीत, तो दूसरों का बनने का तो सवाल ही नहीं। जब पहले मणके में वो फूल शिव प्रवेश करता है तो उसकी तो अवस्था पहले बननी चाहिए ना, या बनी हुई दिखाई पड़नी चाहिए ना? क्यों नहीं बनी? अरे परिवर्तन शक्ति चाहते जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रुके हो। हाँ, वो परिवर्तन शक्ति हो या कोई भी शक्ति हो, सब बच्चों को साथ लेकर जाएगा, अकेला वापस नहीं जा सकता। बाप है तो बाप के साथ परिवार भी है। पारिवारिक इकाई के द्वारा नई दुनिया बनेगी, तो बाप बच्चों के साथ वापस जा देंगे। तो किसके लिए रुके हुए हैं? बच्चों के लिए। अव्यक्तवाणी में बोला कि बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हैं? स्टेज संपन्न है, लेकिन संपन्न स्टेज गुप्त है। बच्चे फंक न हो जाएं, इसलिए बच्चों को साथ लेकर के जाना है, अकेले नहीं जावेंगे। तो कहाँ जावेंगे? ऊपर जावेंगे कि नीचे जावेंगे? ऊपर स्टेज में, निराकारी स्टेज में परम धाम चले जावेंगे? जरूर इस सृष्टि पर ही कोई ऐसा ब्राह्मणों का संगठन तैयार होना है जहाँ सब ब्राह्मणों की निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज बनेगी। जब ऐसी स्टेज सब बच्चों की बनेगी तो दुनिया में विनाश होगा, समूची क्रांति होगी। योग से संसार में पापियों का विनाश होगा। पाप की धरणी का विनाश होगा और पुण्य की धरणी की स्थापना होगी। अभी वो योग बल बच्चों में आया नहीं है। घड़ी घड़ी बुद्धि तिरकती रहती है,
माया का परछावा पड़ जाता है। बाप से ही बुद्धि तिरक जाती है और दूसरों में लिपट जाती है। तो ये बुद्धि का तिरकना बंद कैसे होगा? एक बाप के याद करो ना, याद कर रहे हैं। कितने साल से? 70 साल हो गए। 70 साल हो गए फिर भी अभी तक जन जन्मांतर करते ही आते हैं। तो फायदा क्या हुआ? ये तो आप जाने, हम नहीं जानते। बोलते बाबा, बाहर की दुनिया से संग का रंग जब तक नहीं छूटेगा प्रैक्टिकल में, तब तक वो अवस्था नहीं बन सकती। प्रैक्टिकल में कब छूटेगा वाला? जब मार पड़ेगी। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ताला भी नहीं लगाने देंगे जैसे बारंट निकलेगा। और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि माया इतनी धमचक्करी मचावेगी, टीवी के द्वारा, अखबारों के द्वारा, रेडियो के द्वारा, जैसे कलकत्ते का मिसाल है रविंद्र भाई का। अवच्छेद वालों को भी छोड़ना पड़ेगा, कहीं भी रहने नहीं देंगे। ऐसे क्या बात होगी जो छोड़ना पड़ेगा? ऐसी गिलानी उड़ेगी संसार में, है तेरा भगवान आया। ऐसा भगवान होता है क्या? ऐसा माना कैसे? ऐसा माना वैसा जो दुनिया राज को नहीं जानती है। उस राज को वो राजदार बच्चे ही जानते हैं। तो बाबा कहाँ जाएंगे लोग? कहाँ जाएंगे? मान लो जहाँ सर समाएगा वहीं जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। इस दुनिया में तो कहीं जगह नहीं मिलती। या तो शरीर छोड़ना पड़े या तो फिर ठिकाना बुद्धि में आ जाएगा। एक ही ट्रेन चलेगी, ये भी पहले से बता दिया। जैसे आज में भी एक ही ट्रेन चली थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान का खून खराबा हुआ था, तो जो पहली ट्रेन चल गई सो चल गई, और उसमें जो निकल गए सो निकल गए। बाकी जो तो दूसरी ट्रेनें चली वो सब काट मारी दी, ट्रेनें काट दी गई। ऐसे ही होगा, वो तो छोटा रूप था, अभी तो बड़े रूप में फाइनल विनाश होना है। भारत का विनाश तो बड़ी प्रसिद्ध लड़ाई के रूप में नुदा हुआ है, सबसे बड़ा दुनिया का शास्त्र बनाई दिया। क्या नाम है? महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध। उसकी आग सुलग रही है बाहर की दुनिया में ही नहीं, ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में भी सुलग रही है। एडवांस की जो ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें भी आग सुलग रही है। अब माया भी थक चुकी है और प्रकृति भी तंग आ गई है। कोई तंग आ जाता है तो क्या करता है फिर? है जो होना है सो होने दो, मरता क्या न करता। और बाबा तो कहते हैं कि 1 लाख लड़का 1.25 लाख नाती जिससे घर में ज्ञान बाती तो कहा गया था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जिसके घर में ज्ञान बाती। हाँ, वो रावण जो है वो उसके घर में अज्ञान अंधकार ही अंधकार फैल जाएगा, कोई ज्ञान सुनाने वाला नहीं होगा। इसलिए मुरली में बोला है कि मुसलमान भीख मांगेंगे,
काई की भीख मांगेंगे, ज्ञान की भीख मांगेंगे। ऐसा इन्होंने क्या किया जो इनको ज्ञान रत्नों की भीख मांगनी पड़ेगी? इतिहास इस बात का प्रसिद्ध है, इतिहास में ये बात प्रसिद्ध है कि मुसलमानों ने हमारे शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके नदियों में फेंक दिया, जमीन में खोद के गाड़ दिया, भाड़ों में भून दिया। ये तो स्थूल दुनिया की बात हुई, मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्रों की बात हुई। अभी ये शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम हुई दुनिया में, जो भी माया के सरपरस्त हैं, वो ये प्रैक्टिकल शूटिंग कर रहे हैं। भगवान ने जिस मनुष्य तन के द्वारा ये पार्ट बजाया, शास्त्रों के मानिंद मुरली चलाई, मुरली जो कागज के पत्तों में बंधी हुई थी सन 68 और 76 तक, उसको शास्त्र कहेंगे ब्राह्मणों की दुनिया का, या गीता ज्ञानामृत कहेंगे? शास्त्र है वो, ब्राह्मणों की दुनिया के शास्त्र हैं। उनकी ओरिजिनलिटी को माया और मायावी मनुष्य खत्म कर रहे हैं, मिस्चैरिटी कर रहे हैं। वो कागज के पत्तों से कल्याण नहीं होना है, पढ़ने वालों का भी कल्याण नहीं होना है और सुनने वालों का भी कल्याण नहीं होना है। फिर कल्याण किन का होगा? जो डायरेक्ट बाप बाप के रूप में आया हुआ है, उस बाप के मुख से जो सत्यवाणी सुनेंगे और जीवन में प्रैक्टिकली धारण करेंगे, वही सस्ती पर बचेंगे। जो सन्मुख सुनने वाले नहीं होंगे वो इस सस्ती पर रहेंगे नहीं, उन्हें वापस जाना पड़ेगा, शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। और दुखधाम कौन सा बनेगा? दुखधाम में ट्रांसफर होंगे क्या? दुखधाम वहाँ बनेगा जहाँ राज्य भोगने की जिनकी बुद्धि में इच्छा होगी। क्या अभी इस दुनिया का जो राज्य है वो मृग तृष्णा है या सच्चा राज्य है? यज्ञ के आदि में जो फिकरा बोला गया, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की हुआ रेल का राही। कौन हुआ रेल का राही? है राम बाबा, राम बाबा पंजाबिता। तो उसे राज्य करने की इच्छा थी क्या? इच्छा मात्रम अविद्या। हाँ जी, इसके बारे में वहाँ पर दूसरा अर्थ बताते थे, मायावी अर्थ है और ईश्वरीय अर्थ है, उनमें अंतर होना चाहिए या नहीं? और जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए या नहीं? जमीन आसमान का होना। हाँ जी, ईश्वर आकर के बताता है मैं एक व्यापी हूँ, और दुनिया में बताया जाता है मैं सर्वव्यापी हूँ। सारी दुनिया और दुखधाम, सारी दुनिया ही दुखधाम है। पिछली मूर्ति का कार्य कहाँ होगा?
तीसरी मूर्ति दुखधाम का अधिष्ठाता कौन? ब्रह्मा। फिर आदि में हुआ सो अंत में नहीं होगा? वो किस तरह कहा किस स्थान? आदि में ब्रह्मा हुआ कि नहीं? हुआ, हुआ। उन्होंने राज्य किया कि नहीं? कहाँ किया? ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में राज्य किया ना, अंत में भी होगा। अंदरूनी इच्छा समाई हुई होगी क्या? राज्य हमारे हाथ में आना चाहिए। तो आज में हुआ तो अंत में भी होगा, और इतना जोर शोर से होगा कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो दीदी दादी दादाएं बड़े बड़े गाये हुए हैं, उनके पास जो अथॉरिटी नहीं है उससे कई गुनी अथॉरिटी उनकी होगी दुनिया में, सारी दुनिया में। दुख भी तो होती होगी बाबा। है दुख भी तो होती हो जाएगी। वो आत्मा में नहीं आ पाएगी ना। तप कर राज, राज कर नरका, इस विनाशी दुनिया के राज्य की इच्छा होनी चाहिए, कंट्रोल करने की इच्छा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फिर भी होती है। राज्य करने की जो इच्छा है वो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की वजह भी तो हो सकती है। हैं? परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की वजह, दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना मुरली में बताया भगवान ने। नहीं तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के लिए, परमात्मा से अगर हम दूसरों के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा, या अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे तो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा? इंद्रियों का उल्टा राज्य हो जाएगा। ब्राह्मण परिवार का राजा होते, ब्राह्मणों के ऊपर शासन करना है या अपने ऊपर शासन करना है? अपने पहले खुद अपने शासन करना। तो जो होता आया ब्रह्मा की परंपरा में, और वही अगर होता रहेगा तो आखिरी अंजाम क्या होगा? है आखिरी अंजाम होगा दुखदाम। बाबा सत्ययुग तो सीढ़ी के चित्र में दिखाया हुआ है आखिरी अंजाम। क्या दिखाया हुआ है? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। सीढ़ी में नीचे लिखना चाहिए, उस समय 40 वर्ष के लिए सीढ़ी तैयार की गई थी। सन 76 में 40 वर्ष पूरे हुए और राज्य करने की इच्छा करने वाले अंधे की औलाद अंधे, उस सन 76 में विनाश को प्राप्त हो गए। कोई कहेंगे कहाँ विनाश को प्राप्त हो गए? ये मेगा प्रोग्राम नहीं दिखाए जाते हैं, देखने में नहीं आए? नहीं, उनके पद का विनाश हो जाता है। भगवान बाप पढ़ाने आया हुआ है तो दास दासी का पद होना चाहिए, या भगवान राजा रानी बनाने के लिए आया हुआ है? राजयोग सिखा करके राजा रानी बनाता है अनेक जन्मों के लिए। माया अभी भी दास दासी बना रही है। जब दास दासी बनने का उपक्रम करते हैं तो उदास हो जाते हैं, दास दासी बनने की शूटिंग हो जाती है। अभी भी माया दासी बनाती है, दास बनाती है, और जन्म जन्मांतर भी दासी बनती है पहले, और फिर बाद में विजय पा करके दास दासी बनाती है। बाबा परम धाम के सृष्टि मंच पर आज में परम पिता परमात्मा आके माता को एडाप्ट करते हैं, तो क्यों पहले माता को बताया जाता है? उल्टी बात हम तो नहीं मानेंगे, पहले पिता ही आते हैं।
सृष्टि जब भी तैयार होती है, चाहे मनुष्यों की, चाहे कीड़ों की, मकोड़ों की, पशु पक्षियों की, तो एक के द्वारा तैयार होती है या दो के द्वारा तैयार होती है? दो के द्वारा। उस टाइम एक का उपक्रम होता है या दोनों का उपक्रम होता है? दोनों का होता, परंतु पहले बीज रूप बात आते हैं, माता के राप करते अपने पास धन्य बनाते हैं धन्य। तो बाप जो आते हैं वो दोनों में प्रवेश करते हैं एक साथ, कुछ तो अंतर एक होगा, कोई अंतर नहीं। सुनिए आप शांति, एक ही टाइम पर स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के रचना रचने का उपक्रम करते हैं, ये नहीं कह सकते कि पहले माँ या पहले बाप, किसने प्रयत्न किया? आपका बच्चा। दोनों ही चाहिए, माता भी चाहिए और पिता भी चाहिए, धारण कर लिया। ये अंतर है कि माताएं वो सब हैं भक्तियां, और जो आत्म की स्थिति धारण करने वाले पांडव हैं, जिन्होंने आत्म देवानु को गलाई दिया, जिनकी यादगार पांडवों ने देवानु को गलाने की बनी हुई है, वो पांडव अर्थात पुरुषतन, वो है पिता। गीता में भी बोला है अहम बीज प्रदा पिता, ये नहीं बोला अहम माता। तो ज्ञान का बीज डालने के लिए भी आता है, और माता के द्वारा भक्ति का फाउंडेशन भी डलवाता है। भक्ति नहीं पूरी होती तो ज्ञान भी पूरा नहीं होता। अभी भी भक्ति के संस्कार चल रहे हैं, नहीं तो ज्ञान का रिजल्ट आना चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है अर्थे ज्ञानान्न मुक्ति, वेद सबसे पुरानी भाषा है, ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं होती, ज्ञान से ही मुक्ति और सदगति होती है, और वो ज्ञान एक बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप से आता है। और ये ब्रह्म सूत्र का ज्ञान क्या है? ब्रह्म का सूत्र क्या है? त्रिमूर्ति में शिव ज्योति बिंदु ऊपर दिखाया गया, उसमें से एक सूत्र निकला है ब्रह्मा की ओर दिखाया गया, और दूसरा सूत्र शंकर के ओर दिखाया गया। एक है सुनने सुनाने का सूत्र, और दूसरा है समझने समझाने का सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र समझ में आ गया है? ब्रह्म सूत्र ही नहीं समझेंगे तो ज्ञान का सूत्र कैसे समझेंगे? आपने कहा है कि 84 जन्मों का हार्ट खोलने के लिए सेवा में बिजी रहना चाहिए, सेवा में बिजी रहेंगे तो विचार मंथन चलेगा। हाँ, जो क्या सेवा में बिजी रहते हैं उन सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं। लेकिन बाबा सेवा में रहते रहते, कर्मणा सेवा में जैसे हम लोग रहते, तो उसमें विचार मंथन तो इतना चलता नहीं है ज्यादा। प्रैक्टिस करनी है कर्मयोग की, पक्के कर्मयोगी बनेंगे वो ही बनेंगे जो प्यार से सेवा करेंगे। जब बहुत सेवा करने का लक्ष्य रखते हैं तो बिजी रहने का लक्ष्य रखते हैं, तो उसमें कर्म और योग को जोड़ने का तो इतना लक्ष्य रखते नहीं है। नहीं लक्ष्य रखेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी। लक्ष्य रखेंगे कि हमको कर्मयोगी बनना है तो प्राप्ति होगी, सिर्फ बिजी रहने से नहीं होगा।
बिजी व्यस्त रहना वो तो एक बात हो गई, निरंतर याद की, निरंतर याद करने का ये तरीका है कि हम प्यार से ईश्वरीय सेवा में लगे रहें। बिना प्यार के निरंतर नहीं हो सकता, खींच खींच के सेवा करते हैं और एक प्यार पूर्वक सेवा करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं उसके प्यार में डूबे हुए हैं। बाबा तो कहते हैं आबू रोड से माउंट आबू तक पैदल चले जाओ तो तुमको थकान नहीं होगी। अरे चढ़ना कितना मुश्किल होता है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती है उसको तो बहुत मुश्किल होता है, और जो पहाड़ के रहने वाले पहाड़ी लोग हैं उनके लिए बहुत सहज होता है। बिना प्यार के बाबा सेवा हो सकता है? होती है ना, चेहरा लटक जाता है सेवा छोड़ के भागने का दिल होता है। ना तो इसकी सेवा कैसे कर रहा है। पहले कितने रहते थे खेत में? 70 के है, 70 के 70, और अब कितने रहते हैं? 40। तो आधे क्यों भाग गए? प्यार नहीं पैदा हुआ होगा, वो निश्चय बुद्धि नहीं बने होंगे, या पहले इतने विष्णु भगवान नहीं निकले होंगे। अब माया भी गिरफ्त में आ गए, बकड़े हुए। और प्यार से सेवा करने से विचार मंथन चलने लगेगा। क्यों नहीं चलेगा? एनएस में आने के लिए कौन सी शिफ्ट चाहिए? एनएस में आने वालों में कौन सी शिफ्ट होगी? एकाग्र बुद्धि, भटकने की बुद्धि नहीं। अगर बुद्धि भटकने वाली होगी तो नए संगठन में पहुंचेंगे नहीं। अगर बुद्धि एकाग्र होगी तो नए संगठन में पहुंच जाएंगे। बाबा अहमदाबाद ही मैंने मतलब जो अहंकार बाद में देने वाला है, है? तो किस बात का अहंकार है? देह का अहंकार होता है और काय का अहंकार। राम को रावण भी तो बनना है, राम रावण बनता है कि नहीं? तो फिर अभी बना कहाँ है कि बन गया है? बाबा है तो अब ऐसा कहा जाता है कि किसी को एक सेकंड अनिश्चय आएगा, किसी को दो सेकंड अनिश्चय आएगा, किसी को तीन सेकंड अनिश्चय आएगा, लेकिन ये अनिश्चय तो अंदरूनी बात है, इसको हम लोग हिसाब कैसे लगा सकते हैं कि इसको एक महीने तक अनिश्चय आया? कोई प्रैक्टिकल बात को ऐसी दिखाई देगी इसको? अनिश्चय बुद्धि बिना क्षति प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? लेकिन एक सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड इसके लिए तो अंदरूनी बात है, इसके लिए तो बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए कि हाँ दिखाई देता है ना, अनिश्चय हो जाता है, चेहरा लटक जाता है। बाबा ये दादी गुप्त हो जाए तो भगवान बाप की है, ये दादी गुप्त हो जाए तो भगवान बाप की प्रतिष्ठा हो जाए। ये किसने बोला? दस नंबर कैसेट में है बाबा। है दस नंबर कैसेट में है कि माया क्या हो जावे गुप्त हो जाए, ये दादी गुप्त हो जाए तो भगवान बाप की प्रतिष्ठा हो जाए। माने गुप्त हो जावे का मतलब क्या है? गुप्त मैंने कौन सी दादी के लिए बोला? दादियों में सबसे बड़ी दादी कौन सी मानी जाती है? बाबा ने तो मुरली में बोला यहाँ दादी वादी कोई नहीं होते हैं। भाई बहन है सब आपस में, शिव परमात्मा बाप के बच्चे सब आपस में भाई बहन हैं, भाई भाई हैं या दादा दीदी हैं? कोई बच्चों में भी कोई दादी है, दादाएं हैं? ये तो इंट्रोड्यूस करना ही गलत हो गया बाबा। ये दादी सब जो था हाँ, ब्रह्मा बाबा के पहले से प्रयोग में आ रहा है कि उनके बाद में आ रहा है? इन सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारका की, ये मुरली में बोला। तो ज्यादा जिसकी खातिरी बाबा के सामने ही हो रही थी तो ब्राह्मण बच्चे उसका मान सम्मान और खातिरी नहीं करेंगे हैं? करेंगे, और मान सम्मान खातिरी करेंगे तो वाचा से भी करेंगे।
दूसरों को कहेंगे दीदी तो उनको क्या कहेंगे दीदी, उनको कहेंगे दादी। इसके ऊपर भी बाबा और नहीं तो प्रसाद का सब लग गया है, तो वो ही बच्चे हैं जो दादी को ज्यादा मान देने वाले थे, उनमें ही सही कोई बच्चा होगा जिसने ज्यादा मक्खनबाजी करने की लिहाज से कि ज्यादा सत्ता हाथ में आ जाए, ज्यादा मालपुआ मिले। बाबा जिसको तीन सेकंड अनिश्चय आएगा उसका चेहरा सिर्फ तीन सेकंड के लिए लटकेगा। अनिश्चय आता है, बाप बदल जाता है तो वर्षा भी बदल जाता है। कोई बाबा ऐसी प्रैक्टिकल चीज कोई सबूत के तौर पे हम लोग नहीं जैसे पकड़ने के लिए तो हिसाब लगाएंगे कैसे? क्या हिसाब लगाएंगे? ये इसको ये एक सेकंड इसको अनिश्चय आए इससे आगे है, इसको दो सेकंड अनिश्चय आए इससे पीछे है। अनिश्चय बुद्धि का मतलब ही है विनाश हुआ, पद का विनाश हुआ, खुशी का विनाश हुआ, सच्चाई का विनाश हो गया। बाबा एक सेकंड के लिए ये अनिश्चय होता है उसमें क्या मैंने उसका नुकसान होता है, उसका भी कुछ घटा हो जाता है? जब आखिरी माया का प्रकोप होगा, फाइनल परीक्षा होगी, तो जो आठ धर्मराज की सजाएं नहीं खाने वाले हैं उनमें नंबर लगेगा। कौन ज्यादा और कौन कम, जो ज्यादा लंबे समय तक अनिश्चय बुद्धि रहेगा उन आठ में लास्ट नंबर होगा। और कम से कम समय तक अनिश्चय बुद्धि होगा तो फर्स्ट नंबर होगा। बाबा ये आठ जो होते हैं वो क्या दापोर कोली युग में राजा बनते हैं? और कौन राजा बनेंगे? जो पक्के योगी होंगे वो राजा बनेंगे, पक्के सूर्यवंशी होंगे वो राजा बनेंगे, या चंद्रवंशी इस्लामवंशी बौद्धिवंशी का छिलका चढ़ा हुआ होगा वो ज्यादा राजा बनेंगे? पक्के फिर वो तो बोला ना उन लोग तो राज्य अधिकारी बनते हैं, राज्य अधिकारी इसलिए यहाँ बनते हैं संघ। हाँ, यहाँ उनको अपने को मर्ज कर देना है सूर्य में, अपनी सत्ता को। जो दिन में सितारे नहीं होते हैं क्या? सितारे तो दिन में भी होते हैं आसमान में, लेकिन वो अपनी सूर्य अपनी रोशनी को अलग से प्रत्यक्ष नहीं करते, अपनी रोशनी को अपनी सत्ता को अपनी ताकत को सूर्य में मर्ज करके रखते हैं। तो द्वापर के बाद ये राजाएं है बनते हैं, तो प्रजापिता जब राजा बनता है तो ये सब राजाएं मिलके इकट्ठे रहते हैं? हाँ बनते रहते हैं। जो आपस में पद्मिनी की कथा जो आई है कि सब राजा, मुरली में भी बोला है कि सब राजाएं इकट्ठे होकर के अपनी धन संपत्ति बीवी बाल बच्चे सब बड़े राजा के यहाँ इकट्ठा कर देते थे, तो राजाओं का भी संगठन था ना, तो सहयोगी राजा ही बने। हाँ तो सहयोगी हुए बाबा। हाँ जी, जैसे कि प्रजापिता वाली आत्मा जो है मतलब जो धर्म स्थापन होता है तो उसके बीज को जन्म देती है। हाँ जी, राम वाली आत्मा। हाँ। तो साथ में सहयोगी शक्ति मतलब राम वाली आत्मा जन्म देती है धर्म पिता को? नहीं नहीं, धर्म पिता के बीज को, धर्म पिता के बीज को। हाँ जी, तो उसमें सहयोगी शक्ति साथ में जगदम्बा भी होती है, मतलब जगदम्बा वाली आत्मा भी होती है जो मतलब उस बीज को जन्म देती है। दोनों जगत पिता जगत माता दोनों होते हैं। जैसे बाबा बिंदुसार हुआ। हाँ। बिंदुसार ने जन्म दिया, जन्म देते समय कोई किसी भी धर्म की राज्य की स्थापना नहीं होती है, वो सिर्फ धर्म की स्थापना होती है, उसके 300-400 वर्षों के बाद फिर राज्य की स्थापना होती है। तो जब उनकी संख्या लाखों की तादाद में हो जाए तब राजा ही चलती है। हाँ जी, तो बाबा जो सुद्धोधन थे उनको जन्म दिया बिंदुसार ने। हाँ जी, तो साथ में मतलब जो सहयोगी शक्ति थी वो मतलब जगदम्बा वाली आत्मा होगी, होती रहे, उससे क्या अंतर पड़ता है? मतलब उस समय राजाई थोड़ी दी जाती है, उस समय तो सिर्फ धर्म की स्थापना होती है, और जो धर्म स्थापन होता है
उस धर्म में वो बीज रूप आत्माएं कन्वर्ट नहीं होती, आधार मूर्त कन्वर्ट होते हैं, और वो आधार मूर्त अभी भी कन्वर्ट हुए पड़े बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में। बाबा मुरली का वाक्य है कि ब्रह्मा पांच मुख में प्रवेश किया, तो दो तो बार मैंने प्रवेश किए, पांच मुख में प्रवेश किया किसने, का परमात्मा जैसे पांच मुख में प्रवेश किए हैं, तो दो ब्रह्मा तो वो आदि माता पिता आ दो अंत में, परंतु बीच में कौन ब्रह्म पांच पांच मुख में दादा लेखराज ब्रह्म क्या आज माता पिता दो ब्रह्मा हाँ अंत में दो माता पिता दो चार हाँ बीच में दादा लेखराज ब्रह्म। अरे वो भूल गया बिल्कुल दादा हाँ अभी यहाँ ज्ञान में ऐसे बताया जाता है कि अगर हमको कोई दुख देता है तो हमें ये समझना चाहिए कि द्वापर कलयुग में हमने उसको दुख दिया होगा, तो हम वो अभी हमको दुख दे रहा है, तो हिसाब किताब चुप्त हो गया ठीक है। लेकिन एक एक तरफ ऐसा भी बताया जाता है कि ब्रह्मा बाबा को जिन्होंने दुख दिया है उनसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा हजार गुना लाख गुना हिसाब किताब लेगी आगे चल करके धर्मराज के रूप में। तो उसमें ऐसा नहीं, उस बात में ऐसा नहीं लगाया जा सकता है कि जरूर ब्रह्मा बाबा ने उनको कोई दुख दिया होगा तो उन्होंने चुप्त कर दिया खत्म हो गया। वो समझने की बात है, अपने मन को तसल्ली देने की बात है ताकि हम दूसरे से बदला न ले। लेकिन बाबा वास्तविक भी तो कुछ बात होगी, वास्तविक भी हो सकती है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अभी हमारे इस जन्म में सौ गुना बोझ चढ़ा रहे हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो पूर्व जन्म के हैं, अभी भी तो सौ गुना बोझ चढ़ रहा है, वो कब पूरा होगा। अभी हम कोई ऐसा पाप कर्म नहीं कर रहे हैं जिससे सौ गुना बोझ चढ़ता हो हमारे ऊपर, कर रहे हैं ना अभी ज्यादा, तो उसका हिसाब किताब कब पूरा होगा, किया तो हमने अभी, तो उसका हिसाब किताब कब पूरा होगा, अभी पूरा होगा। ब्रह्मा को अगर ये मालूम होता कि हम जिनकी तरफदारी ले रहे हैं वो ब्राह्मण आगे चल करके हमको इतना दुख देंगे और हमको इतना सहन करना पड़ेगा कि हार्ट फेल हो जाए, तो वो प्रजापिता की तरफदारी लेता या उन बच्चों की तरफदारी लेता, प्रजापिता की लेता। क्या हुआ मनन चिंतन मनसा सेवा बाबा, मनन चिंतन से ही तो होगा मनसा सेवा ना, निःसंकल्प स्थिर से होता है, निःसंकल्प स्थिर से मनसा सेवा होते ना, मन संकल्प स्टेज से भी मनसा सेवा होती है, सौकाश दे सकते तो निःसंकल्प में मनसा सेवा। निःसंकल्प स्टेज का मतलब है कि जो सेवकी सेवा है वो ही हमारी सेवा हो गई, तो मन से पूछ के मैंने शिव के साथ हमने अपने संकल्पों को मर्ज कर दिया तो वो तो सबसे ज्यादा कल्याणकारी है। बाबा वो कैसे पता लगेगा जो अंदर से तो कुछ संकल्प चलेगा उसके अंदर से, अपने को पता नहीं चलता है संकल्प चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जीव का संकल्प ना हमारे संकल्प को कैसे पता। अरे शिव का संकल्प कुछ भी नहीं होता है, वो तो इस धरती पर आता है एक ही संकल्प, नई दुनिया की स्थापना हो जाए, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाए। तो मनसा सेवा जब करते जो उसके अंदर से कुछ संकल्पों का वाइब्रेशन निकलता है हाँ, तो जो मनन चिंतन हो नहीं तो निःसंकल्प से होता है, मनन चिंतन निःसंकल्प से होता है नहीं, जितना हम बीज रूपी स्टेज में टिकेंगे, जितना प्रयास करेंगे अभ्यास करेंगे बीज रूपी स्टेज में टिकने का, उतना वो बीज विस्तार को भी पाएगा, स्वतः ही पाएगा। मैं उसके अंदर से कुछ वाइब्रेशन संकल्प का वाइब्रेशन निकलता है बाबा, क्यों नहीं निकलेगा तो वो भी बीज की स्टेज होगा, जो बीज रूप स्टेज में टिकेगा उसकी बीज रूप स्टेज का प्रत्यक्षता भी होगी, कितना बीज पावरफुल है, कितनी एकाग्रता है, जितनी जास्ती एकाग्रता उतना जास्ती बड़ा धार बनेगा। बाबा ऐसे कहा हुआ कि 500 करोड़ एक दिन ब्राह्मण बनेंगे, बनेंगे
और एक तरफ ऐसे भी कहा हुआ है कि जो ज्ञान में चलते हैं उनका सारा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो अभी तो 12 वर्ष का समय बचा हुआ है, तो उनमें और उनमें क्या अंतर रहेगा? 12 वर्ष का क्या समय बचा हुआ? कृष्ण के जन्म के पहले 12 वर्ष का समय बचा हुआ है। कृष्ण का ही तो जन्म होगा न कि 9 लाख का जन्म हो जाएगा? तो बाबा वो 500 करोड़ जो ब्राह्मण बनने वाले और जो परिवार में चलने वाले हैं वो तो सारे ही ज्ञान में चलने वाले। अरे ब्राह्मण भी तो 9 कुरियों के होते हैं, कोई एक कुरी के होते हैं? सारे ही सूर्यवंशी बन जाएंगे क्या? जो सूर्यवंशी बनेंगे वो 84 जन्म लेंगे, और सूर्यवंशी नहीं बनेंगे तो कम जन्म लेंगे या जो पूरे 84 जन्म लेंगे? उनमें और उनमें अंतर क्या होगा? अंतर हो गया ना, उनके 83 जन्म होंगे, 82 जन्म होंगे। तो ये यहाँ कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, देखने में आएगा। उनके ज्ञान में और उनकी ज्ञान की रफ्तार में बहुत अंतर होगा। जो पहले जन्म की प्रजा होगी उस प्रजा में भी इक्वालिटी होगी, वो सारी बच्ची की हुई होगी। कहाँ उनका ज्ञान और कहाँ उनका ज्ञान जो बच्ची करते ही नहीं है। बाबा एक बार हम समझा रहे थे, हाँ जी, भगवान के द्वारा भी ये गलती हुआ कि जब चित्र छपे तो उसमें प्रजा पिता का नाम की जगह पर अपना नाम डाल दिए। तो वह भाई सामने से बोला कि जब ब्रह्मा में परमात्मा शिव स्वयं प्रवेश थे तो कैसे इतनी बड़ी वो गलती कर सकते थे? बीजे का भाई बोल रहा था कि कैसे वो गलती कर सकते थे? माँ सब ब्रह्मा बाबा इंटरफेयर करके नहीं बोलते थे? बाप क्या किसी ऊपर मुसलमान बन के दबाव देता है कि तो अभी मुसलमान बन जाओ? अरे वो जिसको आप समान बनाता है वो ही स्वतंत्रता का सम्राट है, तो जो बनाने वाला है वो स्वतंत्रता नहीं देगा? इम्पोज करेगा क्या? हाँ जी, जो डायरेक्ट ज्ञान में आते हैं विशेषता ये होती है कि पूर्व जन्म में ज्ञान में आए होंगे इसलिए इधर डायरेक्ट आ गए। उन्हें दीदी दादी दादाओं का जाके उनके सामने जाके नागनीची नहीं करनी पड़े। जब आप बेसिक में से आते हो है, जब बेसिक में से आ रहे हैं उनको नागनीची करके आना पड़ा। जन्म में वो एडवांस नहीं आए होंगे, उनको उनकी पूजा करके आना पड़ता है। क्यों है? क्यों क्यों का क्या सवाल है? उनका कुछ असम्मान किया होगा? बाबा गली का वक्त है कि जिसके परिवार का एडवांस एक भी आत्मा चल रहा उनके पूरे परिवार के ज्ञान में आएंगे। तो जब से हम माता के गर्भों से पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तब से मेरे संबंध संपर्क में जितने भर लोग आए हैं कि क्या पीढ़ी तक की बात है, हम जानना चाहते हैं। आप समान बनेंगे तो क्या पीढ़ी तक बनेंगे? आप समान बनेंगे जैसे आप हैं पुरुषार्थ करने वाले वैसे ही वो बनेंगे। बाबा जो इस एडवांस ज्ञान में आया उसका जो परिवार है लौकिक परिवार ओके शरीर लेके सत्यजीत में जाए ना शरीर छोड़ के जाएगा? पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा का मतलब अज्ञान में भी चलेगा थोड़ा है? ज्ञान में चलेगा का मतलब वो परिवार भी बट्टी करने वाला बनेगा, एक होगा है, सन्मुख पढ़ाई पढ़ेगा। तो सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले ही ज्ञानी होते हैं या दूसरे भी ज्ञानी होते हैं? जो सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हैं वो ज्ञानी। हाँ, ज्यादा संबंध नहीं होते। एक आदमी बोलो, इंद्र देवता की है? इंद्र देवता जो अष्टदेव है, इंद्र देवता कह रहे हैं। तो किस धर्म से किस धर्म के किस धर्म से कनेक्शन है सब कुछ? वो बुद्धिमान होगा बुद्धिमान होगा या नहीं होगा? तो होगा ठीक है। जो जो बरसात ज्ञान की बरसाता है उसी को तो इंद्र कहते हैं। तो ज्ञान की बरसात बरसाने वाला जो इंद्र देवता होगा वो तो फिर सर्वसेवन हुआ ना है? तो देवी देवता धर्म का ही होगा ना? वो क्यों नहीं होगा? देवताएं तो जो आठों होते हैं वो सारे ही सूर्यवंशी होते हैं। ये कहो दूसरे धर्म का छिलका होगा क्या?
दूसरे धर्म का जो छिलका होगा थोड़ा पतला पतला छिलका होगा तो जरूर ना इंद्रदेव के हैं सभी देवताओं का, जो भी 33 करोड़ देवता है छिलका तो सबको होता है, लेकिन बीज रूप आत्माओं को सख्त छिलका होता है, तो छिलका उतर जाता है शुद्ध देवता बन जाते हैं। हाँ इंद्र देवता ने ज्ञान बरसात की तो गोवर्धन पहाड़ कृष्ण ने उंगली पे उठा करके रक्षा की गोप गोपियों की है? वो किस तरह से सुनने हाँ? तो वो भी देवान में आया होगा कि हम बरसात बरसा के सबको बहा देंगे, बोड़म बोड़ कर देंगे, तो उन्होंने अपनी एक छोटी उंगली का सहारा ले लिया और 16,000 गऊओं का वर्धन कर दिया। अभी कोई परिवार वालों ने तो कोर्स सुना है लेकिन फिर भी ज्ञान में नहीं चलते, भक्ति करते क्या? अभी कैसे चलेंगे, जब बाप प्रत्यक्ष होगा तब उनकी बुद्धि में बैठेगा प्रभाव के, अभी बैठ जाएगा, अभी तो हमारी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, ये भगवान वो भगवान, तो हमारा प्रभाव कैसे पड़ेगा? पड़ेगा पड़ेगा ही नहीं। और बाबा जो 33 करोड़ आत्माएं मतलब गायन है देवी देवता धन की है, 33 करोड़ देवात्मा का जो गायन है, हाँ जी, तो द्वापर तक मतलब द्वापर के शुरू तक तो 10 करोड़ आत्माएं मतलब रहती हैं, हाँ, तो बाकी जो 23 करोड़ है ये भी मतलब द्वापर युग से जब उतरते हैं तो प्रवेश करते हैं कि मतलब सीधे जन्म लेंगे। जो भी आत्मा ऊपर से उतरती है द्वापर के, द्वापर शुरू होने के बाद वो गर्भ में ही प्रवेश करेगी, वो क्या नाम शरीर में ही प्रवेश करेगी पहले जन्म में, उसके बाद फिर गर्भ में प्रवेश करेगी जब पाप कर्म बन जाएगा। ऊपर से जो आत्मा आएगी परम धाम से वो निष्कलंक आएगी या पाप वाली आएगी? निष्कलंक आत्मा आएगी, तो उसको गर्भ में दुख भोगने का क्या मतलब? द्वापर उसे जो भी जन्म होता है वो गर्भ जेल होती है या गर्भ महल होता है? फिर वहाँ गर्भ में, गर्भ जेल में दुख क्यों होगा जी? उसके बाद फिर उनमें प्रवेशता होती है, बाद में प्रवेशता होगी बाबा, गर्भ में प्रवेशता होगी। हाँ सतयुग में ज्यादा संबंध नहीं होते, माँ बाप और बच्चे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर जन्म में वही बच्चे मिलेंगे क्या, दूसरे दूसरे बच्चे भी हो सकते हैं? जैसे सतयुग के 8 जन्म है, तो उसमें क्या जो लक्ष्मी नारायण के बच्चे राधे कृष्ण ही बनते रहेंगे हर जन्म में? मैंने राधा कृष्ण जो है, राधा कृष्ण की जो आत्मा है, हाँ, क्या हर जन्म में वही उनके जाकर के बच्चे बनेंगे? ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है संभव? होगा ही नहीं, हो भी सकता है नहीं, ये कैसे होगा? हर आत्मा जो है वो एक जन्म पहला जन्म ऊंची स्टेज पाने के बाद फिर उस युग में नीचे गिरती रहती है। हाँ तो बाबा लक्ष्मी नारायण की आत्मा जहाँ भी नीचे जा करके गिरेगी वहाँ जाकर के वो बच्चे बन जाएंगे? हाँ वो तो बनेगी बच्चे, लेकिन वो नीचे गिरती जाएगी, ऊंचा पद नहीं प्राप्त कर सकती। माने 21 जन्म में बच्चे वही रहेंगे? नहीं 21 जन्म की बच्चे की बात नहीं है, वही हो ही नहीं सकता, ये तो यहाँ शूटिंग के हिसाब की बात है, शूटिंग के पीरियड में जैसे जैसे जिसने संकल्प चलाए वैसा उनका संबंध बनेगा। बाबा इनकी संस्कृति में तो कृष्ण और उमड़ा देव आत्मा राजा करेगा, लक्ष्मी नारायण बनेगा। 1936 में 1968 होगा तब कृष्ण वाली आत्मा राधे वाली आत्मा तो लक्ष्मी नरसिंह में बढ़ेगा बैठेगा। और उस समय सप्तयुग के जो नारायण है लक्ष्मी है उसमें क्या सूर्य उस राज्य में रहेगा ना, सूर्य फिर दूसरा जन्म लेगा? दूसरा जन्म नहीं लेगा, वो ऑलराउंड कार्डधारी नहीं है, उसी समय हाँ राज्य दे के जन्म ले लेगा। वो बात दूसरी हो सकती है, उनका जितना योग बल रहा होगा उतनी उनकी लंबी आयु मिलेगी। पहले जन्म में तो आयु लंबी होनी चाहिए ना, क्योंकि राजा तो नहीं बनेगा, राजा तो किसी वाली आत्मा बनेगा। एक बार संगम युग में राजा ही कर ली, अब हर जन्म में राजा ही चाहिए क्या? हर जन्म में वही ऊंचा बनता रहेगा, दूसरों को मौका नहीं मिलेगा? और भी बच्चे अगर बनते रहेंगे सतयुग त्रेता में तो बुद्धि फिर बिखरेगी थोड़ी बहुत, बिखरेगी
जैसे कि पहले जन्म में कोई और बच्चा होगा और जन्म में और बच्चे होंगे, तो फिर जब वही आत्मा संबंध संपर्क में आएगी तो हिसाब किताब बढ़ेगा। वहाँ तो आत्म की स्थिति रहती है, संबंध संपर्क में आने से कोई बुद्धि थोड़े ही हिलक जाती है उनमें। और पिछले जन्म की अगले जन्म में याद ही नहीं रहेगी कि हमारे पिछले जन्म में कोई, तो अभी भी याद नहीं रहता है तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे बाबा जो गंगा निकलती है हाँ जी, तो उसको दिखाते हैं ऐसे कि अलकनंदा, मंदाकिनी और भगीरथ तीनों नदी मिलते हैं, गंगोत्री होती है, फिर उनसे गंगा का नाम पड़ता है। तो यहाँ जैसे क्या क्या बोला, गंगा निकलती है हाँ, तो तीन नदियाँ मिलके गंगोत्री होती है, अलकनंदा, मंदाकिनी और भगीरथ। गंगोत्री से मतलब ये गंगा उतरी, गंगोत्री नाम कैसे पड़ा? तीन नदी मिलके जो नहीं, कहाँ से गंगोत्री नाम पड़ा है वहीं से साबित होता है गंगा उतरी। कहाँ से उतरी? अरे कहीं और ऊंची स्टेज पे रही होगी ना, वो जगह दिखाई गई है गौमुख। गंगा कहाँ से निकली? गौमुख से निकली, तो गौमुख ऊंची स्टेज रही ना, वहां से उतर करके जब नीचे आई तो नाम पड़ गया गंगोत्री। उसका नाम वहां अलकनंदा क्यों नहीं है? दूसरा नाम क्यों नहीं है? गंगोत्री नाम है ना, इसका मतलब वही गंगा है, वहीं से ही गंगा है। तीनों नदियां मिल जाती हैं तो बड़ा रूप हो जाता है, इसलिए मान्यता ज्यादा हो गई। बाबा हाँ, धर्मराज पाठ और महाकाली का पाठ का अंतर क्या है? धर्मराज धर्म का राजा है, महाकाली अधर्म भी करती होगी, तो जो ईश्वरीय धारणाएं हैं उनको क्रॉस भी कर देती होगी। धर्मराज इस स्तर से थोड़े ही आशा की जा सकती है कि वो भगवान के नियमों के बरखिलाफ चलेंगे। बाबा ये ऐसे तो ऐसे मुरली में बोला हुआ है कि हमें जो जन्म से दात मिली है बुद्धि, परमात्मा से जो दात मिली है परमात्मा से जो दात मिली है बुद्धि, उसका उपयोग करना चाहिए। और एक तरफ बोला हुआ है कि बच्चे यही गलती करते हैं कि अपनी बुद्धि चलाते हैं और माया जो है बुद्धि नहीं चलाती। अपनी बुद्धि चलाते माने जब हम अपने को सरेंडर कर दिया तो अपनी बुद्धि चलाने की कहाँ बात रह गई? तो जो आप पहले जो बात जब कह दिया कि तन मन धन सब तेरा, तो किसकी मत पर चलेंगे? बाप की मत पर चलेंगे। लेकिन फिर बाबा ऐसा भी बोला हुआ कि अपनी जो परमात्मा तो ज्ञान में आने से पहले की बात है ना कि बाद की बात है? बाबा जो आदमी ज्ञान में नहीं आया है उसके लिए ये बात लागू होगी कि वो अपनी बुद्धि से निर्णय करे बाप की पहचान हाँ या बाप की मत को माने। बाप की मत को तो बाद में मानेगा ना, पहले तो बाप को पहचानेगा बुद्धि से। हाँ जी बाबा, धर्मराज का पद के तीसरे मुक्ति आने से का बात होगा ना? है तीसरे मुक्ति आने का बात होगा धर्मराज के पद? हाँ तीसरे मुक्ति आने का बात, तीसरी मुक्ति आती है क्या? नहीं वो तो है ही है, यज्ञ की आदि से ही है। नहीं होगा धर्मराज का पद। अरे धर्म का राजा कौन है? दादा लिखरा। दादा लिखरा तो वो है नहीं अभी? अभी है, अभी भी पाठ बजा रहा है। नहीं पाठ नहीं बजा रहा है। कब पाठ बजाएगा? जब सदगुरु का पाठ शुरू होता है तो धर्मराज का भी पाठ होता है। हाँ जी बाबा, एक मुरली में बोले हैं जो गंगा, जमुना, सरस्वती हैं तीनों इकट्ठे होंगे तब बाप बेट राजयोग सिखाते हैं। क्या? गंगा, जमुना, सरस्वती हाँ, जब तीनों नदी इकट्ठे होते हैं तब बाप बेट राजयोग। तो यज्ञ के आदि में तीनों नहीं थे? यज्ञ के आदि में तीनों थे या नहीं थे? सूर्य पुत्री यमुना थी या नहीं थी? और गंगा थी या नहीं थी?
गंगा भी होगी। अरे बेटी हूँ गंगे दादी थी या नहीं थी? एडवांस में भी होनी चाहिए, एडवांस में वो अंत में होगा। हाँ जी बाबा, ऐसे कहा जाता है कि 70 साल से हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी उसका असर नहीं बना हुआ। कोई असर नहीं बना हुआ? कोई क्यों नहीं? अभी तो भी है, स्टेज में कोई अंतर नहीं आया हुआ है। स्टेज में कोई अंतर नहीं आया हुआ है? स्टेज में अंतर क्यों नहीं? नंबर वार है, एक जैसी स्टेज है सब। बाबा यहाँ पे ये बात तो है, जो अष्टदेव बनने वाली आत्माएं होंगी उनकी स्टेज में, और जो 16,000 नंबर दाना होगा उसकी स्टेज में अंतर नहीं होगा? नहीं बाबा, मतलब ये है कि 70 साल से तो हम लोग सब पुरुषार्थ कर नहीं रहे, कोई 8 साल से आया है, कोई 10 साल से आया है, तो ऐसा हिसाब भी लगाया जाता है। कोई कोई के लिए होगा, तो कोई भी 70 साल से ज्ञान नहीं चल रहा है। कोई आत्मा तो होगी, आत्मा तो होगी कोई, दादा लेखराज आत्मा नहीं है, वो ज्ञान नहीं सुनती तो इसलिए लागू नहीं होगा। अरे तो हम लोगों को जब से आए तब से ही हिसाब लगाया जाएगा, जितना वर्ष से पुरुषार्थ कर रहे हैं। दादा लेखराज की आत्मा 70 साल उसके लिए कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो बाबा एक के लिए बोलते हैं या सब के लिए बोलते हैं? बाबा की नज़र में एक के पतित बनने से सब पतित हो जावेंगे, एक के पावन बनने से सब पावन हो जावेंगे, तो बाबा की दृष्टि में कौन है? वो एक। फिर 500 करोड़ को दृष्टि में रख करके थोड़े ही बोलेगा। मुरली में है बाबा, विष्णुपुरी में मरने वाले नहीं होंगे। हैं? विष्णुपुरी में मरने वाले नहीं होंगे। हैं? तो इसका अनिश्चय बुद्धि होंगे वहाँ। तो विष्णुपुरी में एक बार पहुँच गया फिर क्या वो वापस भी आएगा? हैं? हैं? और बाबा श्री कृष्ण को श्रीभंगी में खड़े दिखाते हैं, ऐसा क्यों? टाइम में खड़े हुए श्रीभंगी छानी में खड़े हुए दिखाते हैं। हाँ, अरबंगा पाठ बजाया होगा। हाँ, एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या काम है? प्रैक्टिस कर ले, अभ्यास करने तो कम थे। इस दुनिया से वैराग्य लाओ और अभ्यास बढ़ाओ। वही वही प्रश्न बार बार आते हैं। हाँ। तो नरक से दुनिया के बीच में तुम मुझे स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। हाँ। तो 2018 तक जो है पुरानी दुनिया रहेगा? अच्छा। मैंने झूठा बोला है? है? नहीं। फिर? तो 2018 के बाद ही पुरानी दुनिया का विनाश हो। विनाश पीछे पड़े रहते हैं। विनाश हो तब कहीं चैन आए। जब सबकी बुद्धि विनाश से हट जाएगी, सबकी विनाश की डेट आ जाएगी। जी बाबा, सद्युग 9 लाख से शुरुआत होगा तो 9 लाख आत्मा शिव राशि जन्म लेगी ना? ठीक है, तो मैंने उसमें कोई कम जन्म लेने वाले नहीं होगी? क्या जन्म पूरे 84 होंगे लेकिन टाइम कम हो सकता है, साल और दिन कम होंगे। जैसे ब्रह्मा के लिए, कृष्ण की आत्मा के लिए 50 साल रंगमंच पर कम हो जाते हैं, ऐसे ही और आत्माएं होंगी उनके ज्यादा साल कम हो जाएंगे। और जो आत्मा एडवांस सर्टिफिकेट आई है वह प्रजा पिता के साथ में होंगे पिछले जन्म में ना? हाँ, तब तो डायरेक्ट आकर ज्ञान को समझ लिया। हाँ जी, पूछना क्या चाहते हो तो बताओ। इसमें चाहते हैं कि जैसे कि हमारा जन्म 62 में हुआ है, 62 में जन्म हमारा हुआ। हाँ, अब कुल जन्म तो हम मतलब कि पिछले जन्म में आपके साथ होंगे कि नहीं होंगे? जो भी एडवांस में आए हैं वो जरूर आज में साथ में थे, नहीं तो आएंगे कैसे?
अच्छा बाबा, जो सूर्यवंशी थे वो सब प्रजापिता के शरीर छोड़ने के बाद सब वो लोग चले गए यज्ञ के अंदर से? धीरे धीरे सब चले गए, पहले प्रजापिता गया था, धीरे धीरे सब गए, सब चले गए। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि शंकर के द्वारा जो पार्ट चला जाता है ब्रह्मा बाबा का, वो ब्रह्मा बाबा जो है सबको दंड देने का काम करता है, ब्रह्मा की सोल। तो उन्हें उनसे तो हम लोगों ने हिसाब किताब बनाया ही नहीं है किसी ने, एडवांस वालों ने, तो वो दंड देगा कैसे? वो तो सारे चले गए थे पहले ही। बात नहीं मानी तो भी दंड ब्रह्मा ही देंगे। इसे ब्रह्मा को जगदम्बा कहेंगे, तो उसके साथ जगदम्बा भी तो जुड़ी हुई है। जगदम्बा के साथ तुम्हारा हिसाब किताब है या नहीं? तो ब्रह्मा के साथ भी वो शरीर है, वो आत्मा है। और बुद्धि जो हटेगा किस तरफ हटेगा, सुख की तरफ की दुख की तरफ? क्योंकि जब दो आत्माओं को दुख बांटते जा रहा है और बोल रहा है कि जल्दी विनाश हो जाए, कब हटेगा, कैसे हटेगा, विनाश से बुद्धि योग कैसे हटेगा, ऐसा पूछो। बुद्धि किस तरफ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा? कल्याणकारी बन जाते हैं तो बुद्धि में विनाश की बात नहीं आएगी। जो कल्याणकारी होगा वो विनाश की बात सोचेगा या विनाश से आत्माओं को बचाने की बात सोचेगा? मतलब कल्याण की तरफ बुद्धि जब भागेगी। हाँ जी, जैन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि तीर्थंकर जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ शांति स्थापन हो जाती थी। उनके जाने मात्र से ही सुख शांति अनुभव होने लगती थी। बाबा शुरू शुरू में विनाश की बाणी ज्यादा गूंजा है, विनाश की बाणी ज्यादा गूंजा है। तो शुरू शुरुआत में ज्यादा देह वाणी होते हैं कि आत्मा भी वाणी होते हैं? तत्व प्रधान होने के कारण है, तत्व प्रधान है, तत्व प्रधान हुए तब तो विनाश की बाणी गूंजा। जब तत्व प्रधान होते हैं तो विनाश की वाणी गूंजती है, कि तमो प्रधान होते हैं तब विनाश की वाणी गूंजती है? आत्मा जब सात्विक बन जाएगी तो उसके प्रभाव मात्र से ही जहां जहां पहुंचेगी वहां शांति स्थापन हो जाएगी, लोग सुख का अनुभव करेंगे उन आत्माओं से। बाबा स्वतंत्रता संग्राम में दो दल थे, गरम दल और एक नरम दल था, गांधी जी का और सुभाष चंद्र बोस का है। तो बाबा वास्तव में तो गांधी जी का रास्ता ज्यादा कठिन था, सहन करना अत्याचारों को, सत्याग्रह का रास्ता ज्यादा कठिन था। और बाबा बताते कि उससे भी ज्यादा कठिन सुभाष चंद्र बोस का क्रांतिकारी दल का रास्ता था। लेकिन बाबा वास्तव में तो मारपीट करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन सहन करना तो मुश्किल होता है। मारपीट करना गुंडों को ज्यादा आसान लगता है या जो सीधे साधे लोग होते हैं उनको ज्यादा आसान लगता है? बाबा किसी के लिए भी ये तो आसान हो जाएगा। नहीं, जो देहाभिमानी होते हैं वो मारपीट करना ज्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए खेल हो जाता है। और जो देवताएं होते हैं उनको मारपीट करना बहुत कठिन लगता है। बहुत बुरा रास्ता अपनाना तो सहज होता है ज्यादा, लेकिन अच्छा रास्ता अपनाना और सत्याग्रह का रास्ता अपनाना तो ज्यादा कठिन होता है। वो सत्याग्रह था, आग्रह है, आग्रह माना हठ करना कभी अच्छा नहीं होता। कोई बात के लिए हम हठ क्यों करें? हठ कर रहे हैं माने हम ईश्वर हो गए, नियंता हो गए। हम क्यों हट करें? सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। हमारे पाप कर्म भस्म होंगे, हम स्वतः ही स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। इसके लिए हट करने की क्या जरूरत, भूख रहने की क्या जरूरत? क्रांतिकारी का रास्ता अपनाना, वो भी तो ये क्रांति नहीं है कि भूख मर मिटो, 40-40 दिन भूखे रहो, आत्मा को दुख दो, ये कोई क्रांति थोड़ा ही है। इस क्रांति से कोई शांति होगी? और हो गई शांति, क्या और ही अशांति हो गई?
लेकिन बाबा सुभाष चंद्र बोस के रास्ते से तो उनको और भी कोई सफलता नहीं मिली। सुभाष चंद्र बोस का भी रास्ता हो और चाहे गांधी जी का रास्ता हो, उनका ईश्वरीय रास्ता नहीं था। दोनों में से सफलता तो ज्यादा गांधी जी को मिली। किसी को सफलता नहीं मिली। मृग तृष्णा मिसल है, रुन्न के पानी मिसल राज्य है, इसमें कोई ताकत ही नहीं है इस राज्य में।